आगे के वीडियो में हमने विशेषण के तीन प्रकार देखे, उसके उदाहरण भी देखे और उसे समझा। आज हम उसका चौथा प्रकार सार्वनामिक विशेषण देखेंगे। चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। तो जब सार्वनामिक कि जब सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए होता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखें तो यह पुस्तक मेरी है और दूसरा है वाक्य ये खिलौने मेरी बहन के हैं। यानी कि सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। उदाहरण देखें तो यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक वह संज्ञा है पर यह सर्वनाम है, तो यह जो शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण होगा। और ये खिलौने मेरी बहन के हैं, खिलौने संज्ञा है पर उसके आगे जो ये सर्वनाम है तो ये सार्वनामिक विशेषण हुए। अब सर्वनाम संज्ञा के बदले आते हैं और सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम संज्ञा के साथ आता है। तो हमने देखा कि सर्वनाम का उपयोग कब होता है कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। पर सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही साथ में आते हैं। तो उदाहरण हम यहाँ देखते हैं कि वह मेरा मित्र है। अब इसमें वह है वह सर्वनाम है, पर वह लड़का मेरा मित्र है तो वह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही साथ में हैं। अब विशेषण में हम आगे देखते हैं कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। तो संख्यावाचक विशेषण के में इस तरह के शब्द होते कि कुछ महीने, और परिमाणवाचक में कुछ समय। वैसे ही सारे आम तो सारा दूध, बहुत लड़कियां और बहुत खुशी यानी कि आनंद जिसका हम नापतोल नहीं कर सकते, 5 छात्र 2 लीटर पानी। इस प्रकार से ये दो विशेषण में अंतर होता है। अब विशेषण को विशेष समझते हुए हम कुछ उदाहरण के साथ देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 42 पर विशेषण के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और जो गाढ़े शब्दों दिए गए हैं जैसे कि ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 और वे, तो ये सब शब्द हैं जो वह गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं। तो ये सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध करा रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, विशेषण। तो अब आप विशेषण तथा उनके प्रकार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। अब आपको यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं उनके प्रकार पहचान कर आपके हिंदी ग्रामर की नोटबुक में लिखने हैं। आगे वाक्य दिए गए हैं कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वाक्य है सानिया अच्छी लड़की है।
दूसरा वाक्य है कि सानिया कोमल से अच्छी लड़की है, और तीसरा वाक्य है कि सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। अब उपर्युक्त वाक्य में अच्छा विशेषण का प्रयोग तीन प्रकार से किया गया है। पहला वाक्य है उसमें केवल सानिया की विशेषता का बोध कराने के लिए, और दूसरे वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना करने करके सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए, और तीसरे वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छी बताने के लिए। अब उपर्युक्त विधानों से यह स्पष्ट है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए उनमें से एक को दूसरे से कम या ज्यादा बताने के लिए, और तीसरी बात यह स्पष्ट होती है कि दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज्यादा बताने के लिए किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक शब्द का कैसे तीन प्रकार से प्रयोग किया गया है। तो आपको भी ऐसे पांच शब्द ढूंढकर उसके तीन प्रकार से प्रयोग करके आपके हिंदी ग्रामर की नोटबुक में लिखना है।